हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सुबह के बज रहे हैं 9 और आज है ट्यूसडे। और पैर पापा जा चुके हैं ऑफिस और मैंने बना दी दीदी के लिए तैयारी। चाय मेरा खोल रही है और अभी तक बर्तन वगैरह मैंने लगाए नहीं। बर्तन वगैरह सोच रही लगाऊंगी। सोच रही हूँ कि जल्दी काम कर लूँ और फिर ऊपर भी जाना है आज काम करने। कार्य सो रहा है तो जल्दी जल्दी करके आ जाती थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और एक तो बच्चे भी मतलब मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बालकनी वगैरह जाते रहते हैं। तो बस स्टूडेंट के उठने से पहले फटाफट काम कर मैंने चाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, सोचती हूँ क्या सोचती हूँ। तो नीचे का काम वगैरह सब हो चुका है, कुछ भी पानी नहीं डाला क्योंकि भैया अभी नहाए नहीं है। और बाकी यहाँ का मैंने धुलाई वगैरह सब कर दिया है। आज जल्दी काम कर लिया है। हाँ, जल्दी इसलिए करा क्योंकि धूप होती है बहुत तेज़ और इतना धूप में काम नहीं किया जाता। ऊपर से बच्चे घूमते, चिड़िया की पानी भी डाल दिया। ये खाना हटाऊंगी, रोटी सूख गया, खाने देर लगता है। चावल खाते हैं हमारे इधर की चिड़िया भी, कबूतर भी, चिड़िया कह रही। बुआ भी जा रही ऑफिस, बाय। हाँ, जल्दी काम वाम हो गया, मैं जा रही ऊपर काम करने। कार्य सो रहा है अभी, जब तक कार्य सो रहा फटाक से काम करके आ जाऊंगी। काम हो गया तो सोचो जल्दी नहा भी लूंगी। मैं आ चुकी ऊपर, हवा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक यहाँ धूप आया नहीं है। कल शायद मम्मी ने धुलाई करा है, हो सकता है मैं करूँ भी, हो सकता है ना भी करूँ। जब कल मम्मी ने करा तो आज भी करूँगी। तो पापा ने लग रहा है आज बेड बेड ठीक करके गए पापा, पर मैं चादर निकालूंगी, निकाल के दूसरा बिछाऊंगी। ये बारी चादर गंदी हो रही तक कवर। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया है और ये नया पैदा निकाला मैंने, नीचे का ही है वो, दो था तो एक ऊपर दे दिया। तो बहुत पहले वो बिछाते नहीं थे पापा, पापा कह रहे मम्मी, तो वो मैंने बिछा दिया था। और मैंने यहाँ से सब साफ कर दिया है, बेडशीट तो चेंज कर ही दिया है। यार मैंने बालकनी भी धो दिया, बालकनी कह लो जो भी कह लो, छज्जा कह लो, धो दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी तो आए दिन ही हो जाता है रोज़। मैंने कहा धो देती हूँ। अब चलते हैं नीचे, लगाते हैं ताला। तो ऊपर से काम करके मैं आ चुकी हूँ और राजा बाबू को, राजा बाबू मतलब मेरे कायरू को, कायरब को भी मैंने मुँह पर धुला दिया है। धुला धो के नाश्ता भी करा दिया, इसने ढंग से नाश्ता करा नहीं आज। तो ये खा रहा है कि घर में बी रहा है, बो रहा है, बी रहा है कह रही, बो रहा है। पूरे बिस्तर में फैला दिया बेटा आपने। सारा काम हो चुका है, बस मेरा डस्टिंग रह गया है और बेडशीट अब इन्होंने शूशू कर दिया तो चेंज करना पड़ेगा मुझे। एक ना एक काम बढ़ाते रहते। और ये नाश्ता आज मुझसे हुआ नहीं क्योंकि मुझे सब्जियाँ अच्छी लगी नहीं है, तो मैं रख दे रही हूँ। और ये चिड़िया को डाल दे रही, पराठा तो सही है। तो कबूतर के लिए मैंने पराठा तोड़ दिया है, तोड़ के देना पड़ता है, एक बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। और एक घर के सदस्य ही है हमारे ये भी। तो रोटी मैंने दे दिया था, ज़्यादा ही सूख गया था, थोड़ी पानी डाल देती तो गीला हो जाता तो खा लेते उनको, इतने सूखी रोटी कैसे खाते बेचारे। पराठा तो मैंने दे दिया, हवा चल रहा है बहुत अच्छा है कि जल्दी काम वाम हो चुका है। और देखो बच्चे के चक्कर में होता है कि कभी काम, ऊपर से दो तीन दिए रखे थे छोटे छोटे, वो उठा के लाई हूँ, शाम को चेंज करूँगी। बच्चे पी रहे कोल्ड ड्रिंक तो पीयू को दिया छोटी गिलास में, तो उन्हें छोटी नहीं बड़ी गिलास में चाहिए क्योंकि इनकी। और ये देखो क्या कर रहे बेटा, पूरी फैला रहे। बेडशीट चेंज करूँ, सबसे पहले सोच रही हूँ डस्टिंग कर लूँ। और मशीन तो मैंने लगा दिया था आते ही साथ, ऊपर से भी बेडशीट उतार के लाई थी मैं। कूलर चल रहा, बाहर बालकनी तुम कितना भी सोचो कि नहीं आओगे, लेकिन काम तो दुनिया भर की बाहर ही होता है, दुनिया भर की चीजें रखी रहती है, जाना आना। क्या दादी, दादी के बच्चे आजकल कूड़े वाली आंटी आ नहीं रही है, कूड़े का ढेर हो रहा है और कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आ रही है। दादी के बच्चों तुम लोग को नहाना नहीं है बेटो? ओ बेटा तुम्हें क्यों नहाना, तुम तो साफ सुथरी लग रही हो। अच्छा अपने मम्मा के संग नहाओगी, ठीक है। और अच्छा मैं इसकी मम्मा हूँ और इसकी मम्मा वो, अच्छा ठीक है। क्या है क्या मन पड़ रहा है मेरे को? आज मम्मा कहीं जा नहीं रही, भाई के संग है तो भाई कितना खुश है, देख रहे हो आप?
मम्मा ने जल्दी काम कर लिया तो खाना पीना बन चुका है, काम वाम हो चुका है, पर मशीन हो जाए तो नहा लूँ उसकी इंतजार कर रही हूँ। काम जल्दी हो गया था, नहाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और यहाँ वॉशिंग वॉशिंग भी हो चुका है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्योंकि आज मम्मी के साथ तो घूम नहीं पा रहे क्योंकि मम्मी का काम हो चुका है। अरे राम, धूप आने वाला है क्या? इधर थोड़ी गर्मी तो हुई है। तो बाहर मैंने कपड़े डाल दिए, सूख जाएंगे भी थोड़ी देर में, जितनी ज़्यादा तगड़ी धूप आ रही है। हाँ, मैं हो चुकी नहा के रेडी और उस रूम में टीवी चल रहा है, आवाज़ आ रही बहुत तेज। खाना खिलाऊंगी कायरू को, तहरी बनाया था मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा ही, क्योंकि उसे आलू बैन की सब्जी उसे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़्यादा सा बना, सोचा था ज़्यादा बना लूँगी तो रखा है, उसको खिला देती हूँ। दवाई तो मैंने पिला दिया था कायरू को। तो अभी बज रहे 4:10 हो रहा है और जो कपड़े मैंने फिटिंग करने डाले थे वो आ चुके हैं। फिटिंग ट्राई कर रही थी मैं कैसा है, तो फिटिंग तो सही है। 5 कुर्ती डाले थे मैंने कहीं आने जाने की और एक घर में पहनने के लिए, तो एक मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ मुझे कटवानी पड़ेगी। तो जहाँ सिलवाती हूँ वहाँ सही है, मैंने बताया था आप लोगों को, हम लोग रिलेटिव है तो वो कपड़े घर में पहुँचा देती हैं या फोन लगा लो तो दे जाती हैं, जैसे कभी निकल नहीं पाओ कायरू के चक्कर में। कायरू यहाँ बात कर रही है और यहाँ काम बढ़ा रहा है, सोया नहीं है आज वो। दादी मम्मी आ चुकी है, इनकी दादी। गर्मी बहुत हो रही बाहर। ओ तो मम्मी कुछ लेके आई हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मम्मी से मैं पूछती हूँ। और एक तो थोड़ा बूंदी लेके आई हैं वो। अरे पानी, गर्मी पड़ने लगा, अब आ जाइए करें दोपहर में, ठीक है? पानी लेने के लिए पानी वाला आया था, पानी खत्म हो गया था, सुबह से बड़े परेशान थे हम लोग। मम्मी वो काला पन्नी में क्या है? गरम मसाला? अमचूर का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, वैसे तो यहाँ की लाइट मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट आता रहता है। चलो मम्मी लेके आई अमचूर, पहले मैं ये कपड़े रख दूँ। और हम लोगों ने किसी ने भी खाना पीना खाया नहीं, बच्चों को खिला दिया था क्योंकि पानी के चक्कर में बना ही नहीं पाया आज, पानी ने बहुत वो करा। 2-3 दिन से कूड़े वाली आंटी नहीं आ रही थी, आज आई तो अब गर्मी में पानी तो पी भी गई। तो खाना लग चुका है, दीदी ने लिया रोटी, हमने लिया है चावल, रायता, आलू बैंगन की सब्जी और रखा है चिकन रखा है और मटन भी रखा है, पर खा नहीं रही क्योंकि मंगलवार है और शाम को पूजा भी करना पड़ता है, तो फिर नहीं खा रहे। और भाई साहब आप सोएंगे नहीं आज हैं? क्यों, चीज़ कौन सी चीज़ खाने? और चलिए जी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कायरू को मैंने सुला दिया है खाना खाने के बाद, और खाना खा के दे के बैठी हूँ वही घी की मलाई। अब मेरे साथ साथ कौन खा रहा? हमारी पीयू दीदी भी खा रही हैं। शाम के कपड़े उठा के रख दिए तय करके, और अभी बज रहे 5:30 हो रहा है अभी। और आज इतने जल्दी काम कर लिया था, पूरा दिन आलस पूरा दिन खाना बन गया था, झाड़ू पोछा हो गया था, तो जल्दी काम करने का कोई भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक ना भी करते ऐसा रहता कि बिजी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। अब जल्दी काम कर लिया तो आज पूरा दिन बोरिंग सा लगा। आज शाम को देखो कार वापस, मैंने बोला था कि आज अगर टाइम पे आ जाएंगे तो हनुमान मंदिर चलेंगे कायरू को लेके, क्योंकि बीच में कायरू की बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब होता रहा, तो बोला ये अगर टाइम पे आ जाएंगे तो चले जाएंगे। और बाकी गर्मी तो बहुत हो रहा है, ये बोल रहे थे कि शाम को निकलना पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। देखते हैं इनको जैसे ठीक लगता है। शाम की बज रहे 7:10, अब मैं आप लोगों के सामने आई थी और कार पापा कह रहे, मैंने पूछा अंदर लेके जाएंगे आप, तो कह रहे नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे मंदिर? क्यों हो चल ली इसलिए कैसा दौड़ आज, पता नहीं कब ले जाएंगे, आज तो मंगलवार था, मैं कहा हो जाते। चलो भैया उठे तो अभी पूजा वूजा कर लिया जाए। अब
पूजा करके निपटी हूँ और बहुत तेज हवा चल रही है, और अब देखो बिल्कुल ही हवा बंद हो गई। जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फोन लेके आई हूँ, एकदम से हवा चल रहा था, दिया सब बुझ गए, दिया भी अभी जला के गई हूँ, और बल्कि मैं जली भी नहीं होगी ढंग से, तो ये चलने लगी ना हवा। इस हवा के कारण कार पापा लेके नहीं गया, कह रहे लू वाली हवा चल रही गर्म गर्म से। और ये हमारी पीयू दीदी को देखो, आंधी। हमारी पीयू दीदी को डर नहीं है, वो हिली जा रही, पीयू हिली, पकड़ो पकड़ो, कोई पीयू को पकड़ो पकड़ो, पीयू गिर गई, पीयू को बचा लो। जा बैल, हवा चल रही है, जैसे मैं फोन लेके गई सबको दिखाने के लिए और हवा रुक गया। तो टॉर्चर करती हो आप लड़की को, छोड़ दो। और कायरू गद्दी बात एक सीटी लग जाएगी बेटा, देखो कायरू पापा दो ही सीटी लेके खेल रहा है वो, और उस ऊपर से हाथ में चोट लगेगी उनकी। पूजा करके चाय पी के सीधे आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में खाने की तैयारी मैंने अभी तक कुछ करा नहीं है। और चलिए स्नैक्स की तैयारी, स्नैक्स कह लो या कायरू पापा की खाना कह लो, कायरू पापा को तो मैंने खाना दे दिया है। और मैंने आज क्या बनाया है ये तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, और कैसा बना ये बताएंगे। मैंने बनाया मसाले वाली पूड़ी, तो भाई कायरू पापा कैसा बना आप बताइए। अच्छा था ये 3-4 पूड़ी खाने वाले थे, कितने खा गए इतना नहीं पता मुझे, जितना आटा गूंदा मैंने था सब इनमें ये खा गए, और 6 पूड़ी बची बस। 6 पूड़ी में वैसे कोई खाएगा है नहीं ज़्यादातर, मुझे पूड़ी इतना इंटरेस्ट है नहीं, पर मैं चख के ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है मसाले वाला पूड़ी। तो ये कैसा बना भी ट्राई करूंगी, और जाना तो हुआ नहीं मंदिर, हनुमान मंदिर जाने वाले थे, तो कायरू पापा कह रहे आज बहुत गर्म गर्म तो हवा चल रहा है, तो कायरू को ले जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बीमारी से उठा है वो, सोच रही थी थोड़ा दर्शन कर आते पापा के, तो नेक्स्ट टाइम से ही। तो कायरू पापा कहना चाह रहे मैंने इनकी प्रेरणा ले ली, क्योंकि आटा इन्होंने गूंदा, आइडिया इनका था, तो मैंने बेला और निकाला। मसाले वाली पूड़ी बनाया आप सभी को, अगर खाने है तो आ जाएगी मेरे घर। तो खाना मैंने कायरू को खिला दिया है, और आप उनसे कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा ऊपर, क्या राय है आप बताइए, टहल लीजिएगा थोड़ी देर, नींद आ रही क्या आपको, चलिए ना, चलिए यार ऐसे मत करो। पीहू पीहू तुमसे पूछते तुम्हारी राय क्या है, पीयू इधर देखो मम्मा की तरह, घूमने जाओगी हैं, जाओगी घूमने बाहर, जाओगी हैं, पीयू नहीं जाना चाह रही, पीयू को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है चलो कर पाओ, चलो चलो जूता पहनो, चलो चलो आज पीयू को छोड़ के जाएंगे, ठीक है चलो चलो चलो, हाँ चलो उसको लेके नहीं जाएंगे, चलो 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 बाय बच्चो, बुआ सुकून से रहना आप थोड़ी देर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, जाने के नाम से कितनी खुशी बच्चों को। हाँ पियो तुम कहाँ जा रही हो, पियो तुमको लेके नहीं जाना है, पियो अंदर आ, अंदर आ, आप सुनने वाले हैं लोग, बना लो खाने में कुछ भी, क्या बना रही वैसे है, और दाल बना ली हो बस, कायरू पापा तो खा ही चुके जो नहीं, चलो साइकिल लेके चलते, साइकिल भी रख लेंगे उनकी, ठीक है ना, चलो यू चले घर अब, हाँ कायरू चले, आधा घंटे से यहाँ बैठे, आधा एक घंटे से हवा चल रही है, वो भी गरम गरम हवा, चले कायरू बाबा चलो भाई। आ चुके हम लोग नीचे, और नीचे आके कायरू को नहला दिया, तीनों बच्चों को नहला दिया, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज्यादा लोग खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा नहला देती हूँ। और दीदी ने खाना बना के रखा है, खाने में क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, उन्होंने बनाया है दाल, आलू फ्राई किए बच्चों के लिए शायद, और बैंगन रखे थे तो बैंगन के उन्होंने भरवा बैंगन बनाए, और चावल बने रखे होंगे, तो रोटी तो जब बनेगा जब उनका सब खाएंगे तब, अभी तो खैर 10 ही बजे तो क्या खाएंगे,
खाना पीना बन चुका है, बच्चों को वैसे भी पूरी खा लिया था इन्होंने, अब देखते खाना खाता है कि नहीं खाता है ये लोग। तो पापा और मम्मी तो खाना खा नहीं रही है, पापा को खाना दे के आ चुकी हूँ मैं, और बच्चों ने भी खाना खा लिया, बस मैं रह गई हूँ। और दीदी तो खाना जब खाती है जब कर के बड़े पापा आते हैं। अभी बज रहे 11, तो मैं अपने ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर एक नए ब्लॉग के साथ।